अभी हम लोग पुरैनी प्रखंड के औराई पंचायत में हैं, और परिवर्तन की इस बयार में, परिवर्तन की इस लहर में, परिवर्तन इस पंचायत में हो पाता है कि नहीं, या वर्तमान मुखिया को ही जगह मिलेगी, यह तो देखना बाकी रहेगा। लेकिन टक्कर के बीच जिस प्रत्याशी का चर्चा पूरे पंचायत में चल रहा है, उसके दरवाजे पे हम लोग मौजूद हैं, और मुखिया जी क्षेत्र में थे, इन्हें फोन करके हम बुलाए और जाने कि क्या किए हैं, क्या काम किए हैं, 5 सालों में क्या विकास हुआ, कई मुद्दे पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? पहले मेरा नाम कपिल देव सिंह, पूर्व मुखिया, आप मुखिया रह चुके हैं 2006 में। 2006 में मुखिया रहे, 5 साल आपको जनता ने दिया, आप सरकार का प्रतिनिधित्व किए, योजनाओं को धरातल पे उतारे, कि क्या क्या काम किए, कितनी कामयाबी रही 5 साल, यह आप हमको बता देंगे। 2006 में जब हम मुखिया बने तो सबसे पहले बीपीएल का कार्यक्रम औराई ग्राम पंचायत में 3600 परिवार को मैंने बीपीएल दिया। उसके बाद 2008 में बाढ़ आपदा हुई थी, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट सुपौल मधेपुरा जो था आपदा में, 1200 परिवार को मैंने इंदिरा आवास दिए बाढ़ ग्रस्त के योजना से। उसके बाद जितना हमारी सड़क उस समय राशि भी कम थी, उस समय पुल पुलिया सड़क भरवाए और सड़क पर ईटा सोलिंग करे, उस समय पक्कीकरण की योजना कम थी, और 2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय खोले, रसूल टोला चंदा, और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जुमरल्ली टोला में चंदा में खुलाए अल्पसंख्यक वर्ग में। आंगनबाड़ी केंद्र मैंने लगभग नियमित और से लेकर के 4 अलग से खुलवाए। पहले हमारे यहाँ 10 आंगनबाड़ी थे, इसके अलावे मैंने 4 आंगनबाड़ी केंद्र बाद में मैंने 2008 में खुलवाए। वृद्धा पेंशन लगभग मैंने 2500 परिवार को मैंने वृद्धा पेंशन और मैंने शिविर लगा करके दिए, और 2006 से लेकर 2011 तक मैं कैंप लगा करके दाखिल खारिज करवाना एवं इंदिरा आवास दिलाना, ये वृद्धा पेंशन देना मेरा एक कर्तव्य था, और यही हमारा असूल है। जो अब की बार 2 बार तो मेरा पंचवर्षीय योजना कुछ पूंजीपति वर्गों ने जातिवाद के फैलाव करके अगला अलग से पैसा दे करके कैंडिडेट खड़ा दे करके चुनावी में 2 बार हम शिकस्त हुए। अब की बार वो नाकाम हो गए, वो जो उम्मीदवार बनना था बनने से तैयार नहीं हुआ। 18 वार्ड की ये पंचायत है, 10,786 मतदाता है, जिसमें सारे लोग 9 वार्ड तक कोई उम्मीदवार मेरे खिलाफ में नहीं दिया, इसलिए सारे जीत की लोगों ने प्रशंसा कर रही नहीं है कि जाइए मुखिया जी आपकी माला, फिर जिस तरह आप मुखिया बने थे मैं सौंपने जा रहा हूँ, आप प्रचार प्रसार करने भी मत आइए, और हम वहीं संबोधित कर रहे थे, आइए निश्चित तौर से आप, कोई निसंदेह नहीं। 8 तारीख को भाग का फैसला, कांग्रेस भारी मत से विजयी बनाएंगे। जिस बार आपको हुआ था 705 वोट, उसमें भी मैंने 7 वोट से जीते थे। अब की बार जब मत गिरेगा 7,000, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 3,000 वोट मुझे जो है छाप जो देख रहे हैं हमारा उस छाप पर लगेगा, इसलिए ये गाजर छाप पर लोगों को निशाना बन चुका है कि अगर कहीं है तो मुखिया के लिए आपको 3,000 वोट 9 वार्ड में देने को तैयार है। इसके अलावा भी जो 9 वार्ड है हर जगह से उसका रुझान आ रहा है कि जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी पहले भी थे अब की बार उनको वोट दे करके। चर्चा तो पूरे पंचायत में आपका चल ही रहा है, आपने तो अपना काम गिना दिया, लेकिन जब से आप मुखिया नहीं है, दूसरे को जनता ने मौका दिया, तब से अब तक कितना काम हुआ है? देखिए ये 2 पंचवर्षीय में ये सिर्फ जो पब्लिक का काम नहीं हुआ, बाढ़ पीड़ित ये क्षेत्र है, आज तक बाढ़ पीड़ित में किसी को अनुदान राशि 6,000 उपलब्ध नहीं कराया, किसानों को 6,000 से वंचित करा दिया, बीपीएल में जो दिए थे उनसे भी अधिकांश लगभग 25% उनको कम कर दिया, लोगों को जो मानसा है
वो अनाज से त्राही हो रहा है, और जो वृद्धा पेंशन लायक है अभी भी जो मैंने बनाए थे पहले 15 साल लगभग, वो किसी को अभी तक इंदिरा आवास अति और वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। और जितना भी रोड बनाया है अभी, वो अभी साल भर नहीं हुआ सारा रोड टूट कर कगार पर चला गया। आप सीधा कहना चाह रहे हैं काम नहीं कमीशन खोरी हुआ? हाँ भैया, बिना पैसा के भी शेड बनाया, शेड में एक एक आदमी से 25,000 रुपया लेकर के शेड भी बनाया। शेड या पशु शेड? पशु शेड, पशु शेड। लगभग 300 आदमी का पुराना खराब बालू से, पुराना बालू पुराना ईटा से बनाया, जो कि लंबी देखने से भी पता, सारे लोग जो बनाए हैं वो भी कगार पर है कि जो गिर कर दीवार गिर गया। उन लोगों का मनसा है कि एक तो पैसा भी लिया, इंदिरा आवास में भी पैसा लिया। उन लोग पशु सेठ का योजना में कितना अमाउंट? 1,88,000 योजना था, जिसमें उन्होंने 25,000 रुपये उगाही भी किया जनता से, उसमें भी काम अधूरा रह गया। टोटल कितना हो गया? 1,88 + 25 2,00,000 क्रॉस कर जाता है, कितना में बना होगा? मुश्किल से उसका योजना 50,000 से ज्यादा नहीं बना होगा। एक पशु सेठ में कितना बचत हो गया? लगभग उनको 1,30,000 बचत हुआ उनको। अपना खाता ये दे रहे हैं या ले रहे हैं? वो ले रहे हैं। और लोग को जन मजदूर में कहा अपना से बना मजदूर दीजिए तब बनाएंगे, ना तो मजदूर में पैसा लगा ना बालू में लगा, पुराना बालू जो दे रहा था पत्थर का वो भी समाप्त कर दिया। बात तो सही है, काम विकास और अन्य चीजों के लिए जो चर्चा होता है वो चुनाव से कुछ दिन पहले थम जाता है। जब लास्ट 1-2 दिन बचता है तो जातिवाद, पैसावाद, मुर्गा दारू ये सब चलने लगता है। इसको रोकने के लिए क्या कीजिएगा? क्या आप जनता से अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि देखिए, जो पैसा लेता है वो चुनाव के बाद आपको पैसा शुल्क करेगा, इसलिए वो दुर्गा मांस अंडा जो 1,000 रुपया भी देता है प्रत्याशी कि हम वोट लेंगे, वो साल में 1 करोड़ कमाता है, साल 5 करोड़ 5 मंथली में कमाता है। एक साल में पुराना जो हमी निवर्तमान मुखिया है उस साल 1 पंचवर्षीय में 50 लाख खर्चा करता है कि चुनाव पैसा देकर के हम जीतेंगे, लेकिन जनता अब की बार पैसा को भी विरोध करके चुनाव इसको हराएंगे। वृक्ष कितना लगना चाहिए? लगना चाहिए एक भी वृक्षारोपण नहीं हुआ, कागज पर बन गया, पेमेंट टूट गया, पशु शेड अभी किसी को लगा नहीं, पैसा उठ गया। चलिए कुछ और लोग हैं मुखिया जी से तो हमने बात कर ली, लेकिन मुखिया जी के समर्थक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज जी प्रचार में थे, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। क्या अच्छे काम कितना हुआ 5 सालों में? काम कितना हुआ? काम तो कुछ नहीं हुआ 5 सालों में, जो भी किए हुए हैं इन्हीं का क्या हुआ है, लूट घसोत हुआ है। कोरोना में कितना तक आया लोगों को जो है ना, 2 रुपया का साबुन देके, 2 ठो मास्क देके ठक लिया। हाँ, चाचा है चुनाव प्रचार में गए थे। हाँ? क्या नाम हुआ चाचा? परमानंद ठाकुर। कैसा लगा चुनाव प्रचार में जाके मुखिया जी के साथ थे? बहुत अच्छा, जब प्रचार में जाते हैं ना, बच्चा बच्चा आके कहता है इनकलाब जिंदाबाद, और नारा लगा के बोलता गाजर छाप जिंदाबाद। आप भी तो जवान हो जाते होंगे। जवान तो है ही है, अभी क्या जवान हुए हैं, जब हमारा भाई जीत जाएगा और इससे भी जवान और हो गए। रंग लगाइएगा। रंग लगाएंगे, आजादी बनाएंगे, आजाद समाज, आजाद रहे, आजादी मनाइएगा। हाँ, समाज आजाद रहे हमारा। चलिए कुछ और चाचा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नागेश्वर मिस्त्री। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि मुखिया जी का वोट भाग जो है ना, बहुत बहुमत से निकलेगा, बहुत बहुमत से निकलेगा। देखिए पोस्टर हम दिखा देते हैं, पोस्टर पे लिखा है सबका साथ, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता है, बदलिए इतिहास, मौका है आपके पास, आप देंगे साथ हम करेंगे विकास। सावित्री सिंह है प्रत्याशी और उनके पति है कपिल देव सिंह, और गाजर छाप चुनाव चिन्ह है, क्रमांक संख्या 13 है, और पंचायत और आय पंचायत है और पुरैनी प्रखंड है। तस्वीरें हम दिखाते हैं, तस्वीर कभी झूठ नहीं होती, सच दिखाते हैं और सच का सामना हम हमेशा करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं, इसी तरह हम दिखाते रहेंगे।